हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूरी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। आज मैं जा रही हूँ बुधा के कॉलेज, वो भी बहुत दिनों बाद। और सच कहूँ तो मुझे बस में ट्रैवल करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और लगे हाथों अगर विंडो सीट मिल जाए तो क्या कहने। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दोज हु आर न्यू टू माय वीडियो, एंड डू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और यस, हेडफोन लगाकर विंडो सीट के पास बैठकर मैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही हूँ। और यहाँ पे जो आपको एक सबवे दिख रहा है, ये कलकत्ता के कई मेन जगह को कनेक्ट करता है। उसके बाद गाना सुनते सुनते बस में डांस करते हुए लोगों की परवाह ना करते हुए मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही थी। और आप ही बोलो, इतना सुंदर रास्ता हो, आप अकेले हो तो कैसे नहीं आप ये सब कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और नाचते नाचते मैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर बस पहुंचने ही वाली थी। गाइस, इन बस वालों ने मुझे अलग जगह उतार दिया। मैं आई हूँ पहले, एक्चुअली तो मैंने आपको जैसे बोला मैं बुधा के कॉलेज आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत आगे उतार दिया। क्या बोलो, तो अब उतर गई आगे, मतलब बहुत दिनों बाद आ रही हूँ ना, थोड़ा भूल गई हूँ मैं। तब इसको फ़ोन किया और पूछा कि कैसे आऊँ, चल रही हूँ अभी, देखती हूँ, पहुँच तो मैं ज़रूर जाऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनली पहुँच गई मैं। करीबन 15-20 मिनट के गलत रास्ते में थी मैं, फिर उल्टा आई। क्या यार, मेरा क्या होगा, इस वजह से लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। अनस्मार्ट नूरी, हाय बोल दो। जस्ट इमेजिन इफ यू वर एक्चुअली गिविंग डायरेक्शंस टू पीपल लाइक हाउ टू कम टू सेक्टर 5 एंड यू गॉट लॉस्ट मिडवे। ही वांट्स पीपल टू अनसब्सक्राइब। जस्ट इमेजिन इफ दिस व्लॉग वाज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग पीपल विद सेक्टर 5। नहीं, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं रास्ते में, लेकिन मतलब रास्ते के डायरेक्शंस में। लेकिन क्या है ना, यहां मैं जब भी आई हूं या तो कैब से या तो बस से भी आई हूँ, लेकिन मोनोटेल बोल के एक जगह है, वहाँ पे मैं उतर गई, ऐसा है। लेकिन आज मेरे को पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो अपने ही में मगन थी मैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार जो चल के आई हूँ ना, इस बार याद रहेगा, मतलब पैदल चल के आई हूँ ना, याद रहेगा। तो ठीक है, इंसान ऐसे ही सीखता है। क्यों दर्शकों, क्यों दुनिया वालों, है ना। तब हम पहुँच गए हैं, अभी मैं अंदर जाऊँगी, थोड़ा चिल करूँगी, ये सेवा करेगा, कॉफ़ी बना के देगा, कॉफ़ी पीऊँगी। सोचो, गेस्ट आ रहा है, कोई, उसको बोला भी जा रहा है कि कॉफ़ी नहीं है। सो कॉफ़ी या फिर हम लोग खरीद के लेके जाएंगे। सो ही विल मेक कॉफ़ी, आई विल हैव कॉफ़ी, उसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं पे। वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो जबकि कॉलेज में शूट करना अलाउड नहीं है, तो ये 3 प्रोफेसर इंक्लूडिंग बुधा, तो ये शॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और उसके बाद रास्ता क्रॉस करते वक्त ठीक इस रास्ते के उल्टे तरफ मुझे एक चाय की टपरी दिखी, तो सोचा कि वहाँ जाके मैं ये जो भाड़ में, हम लोग बंगाली में से भाड़ कहते हैं मिट्टी का, इसमें चाय पीऊँ। और मुझे बहुत पसंद है जो सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है साथ में गर्म गर्म चाय, इसका मज़ा ही अलग है गाइस। और यही वो टाइम था जब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि पूरे दिन हम दोनों ने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। और सच कहूँ, थोड़ा बिचिंग भी कर रहे थे वैसे, लेकिन ये जो मोमेंट है ना कि चाय की टपरी के पास खड़े होकर रस्ते में, स्पेशली आप ऐसे सारे दिन की बातें सब कुछ कर लो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। और फिर बीच में मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है, मुझे लगा मेरा फ़ोन लेके कोई भाग जाएगा, तो मैंने फटाफट अपना फ़ोन वहाँ से हटा लिया। तो अभी हम रिक्शा में हैं और अभी हम जा रहे हैं बैसाखी बोल के एक जगह है, मतलब बैसाखी बोल के एक जगह है यहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग एक सॉल्ट लेक में तो वहाँ से हम लोग एक जगह जाएंगे। मुझे वो बहुत दिनों से बोलना था कि मैं तेरे को एक जगह पे लेके चलूँगा, कि वो जगह बहुत ही डेजोलेटेड है, एकदम खाली खाली सा है। लुक लाइक वेरी इंटरेस्टिंग द वॉक दैट वी विल हैव। जोर से बोलना था। द वॉक दैट वी विल हैव फ्रॉम वेयर वी विल गेट डाउन। हां, दैट वॉक विल when you see the video you'll get to see there is a lab. It's basically Meghna Shah Institute, which is the Institute for Nuclear Science. It would almost feel like you're walking in a Stephen King story. Arre bhai saha, like they've shown it in Stranger Things, the Hawking's lab and all of that. Nice. Feels like that. Nice. Small town feel. Dekho abhi feel maine already pre-feel karwa diya hai aapko. Ye jo mera video hai abhi thoda sa andhera andhera, ek jise hum Bengali mein kehte hain aalo aadhari vyapar, matlab ek kam light, ek jaisa ki क्या कहते हैं भूत के मूवीज में होता है ना, मतलब हॉरर मूवीज में, भूत का मूवीज बचपन में। हाँ, तो वो प्री फिल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है। अब मैं भी उस जगह पे पहली बार जाऊंगी, तो देखती हूँ मुझे कैसा फील होता है। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, मुझे ना ऐसे रिक्शा में जाते हुए गर्मियों के दिन में तो
छोड़ी तो इतनी अच्छी मस्त हवा चलती है, मुझे इतना अच्छा लगता है। और अभी तो बसंत का टाइम है ना, अलग ही मजा आई। जो हवा अभी मुझे मिल रही है ना, भले ही मेरा वीडियो अंधेरा है बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस। ये देखो ऑलरेडी जहाँ मैं जाने की बात करी थी आपको, ये देखो ऑलरेडी शुरू हो गया वो रास्ता, कितना खाली खाली सा है। और यहाँ पे काफी पेड़ वगैरह भी है अभी तो कैमरा में, खैर एक्चुअली बहुत मजा आने वाला है मुझे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं आपसे भी उतना ही शेयर कर पाऊंगी। देखो अगर आई विश यहाँ पे आई थिंक बहुत ज्यादा लाइट कम नहीं है ना बुधा, तो फिर ठीक है, हम इसी लैम्प पोस्ट के उसमें लाइट में हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। एंड एक्चुअली मतलब इतना शोरगुल में ना, मतलब यहाँ से आप जस्ट मेन रोड में जाओ, शोर से भर जाएगा दिमाग। एग्जैक्टली, लेकिन वहीं पे एक किसी छोटे से कोने में इतनी शांत जगह है, यही तो बात होती है हर एक शहर की। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं आपसे शेयर करती हूँ ना ये सब, मैं क्या ही बोलूँ दर्शकों, मुझे बहुत मज़ा आता है सीरियसली। और आज तो मैं इतने मज़े में थी सुबह से कि मैंने तो बस में डांस किया। ये मुझे बोल रहा है, जब मैंने इसको बोला कि पता है मैंने आज बस में डांस किया, तो मैं शूट भी कर रही थी, तो मुझे कहता है कि मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज। उसको लगा कि शायद मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मज़े ले रही हूँ। हमें देखते ही चलें, आई वांटेड टू सी। ओह अच्छा, इसका मतलब इसने मेरा विश्वास किया था। वेदर यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द बस और डांसिंग और सिटिंग? नो नो, अरे मैं इसको बोला कि मैं खड़े होकर भी करती, लेकिन ना क्या होता ना, इतना बस हिल रहा था मैं गिर जाती। कोई होता मेरे साथ या कोई उन्हीं में से कोई करते थे तो अच्छा होता कि एटलीस्ट मैं उसे बोल पाती कि भैया या दीदी आप कैमरा पकड़ो, मुझे नाचना है। ये देखो कितना अच्छा रास्ता है ये, वाओ। मतलब अगर मैं आपको सच कहूँ तो जब हम लोग जहाँ जहाँ भी, मेरे पापा जहाँ जहाँ भी पोस्टेड थे, या तो वो आर्मी कैंट होता था या तो वो एयरफोर्स कैंटनमेंट होता था, तो उसी टाइप का पूरा ये देखो तरीके तो उसी टाइप का पूरा ये डिज़ाइन किया गया। अभी हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, मेरे लेफ्ट तरफ एक जगह है जहाँ मैं आपको कैमरा में वो दिखा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग जो वॉचमैन खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, सब ऐसे मतलब आई थिंक दे डू नॉट अलाउ। ये जो है ये शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स का बिल्डिंग है, तो यहाँ पे पता ही है क्या होता है, बहुत गोपनीय चीज़ें होती है यहाँ शायद। लेकिन मजे की बात ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्या है, बात ये है कि गाइस ये जो जगह आप देखो पीछे, और ये मेरे बाई तरफ एक बड़ा सा बिल्डिंग है न्यूक्लियर साइंस का। ऐसा लग रहा था जिन लोगों ने वो स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है ना, हॉकिंस में जैसा होता था, बिल्कुल ऐसा वाला फीलिंग आया सच्ची में। बस एक चीज़ की कमी है, बोलो क्या, साइकिल। लेकिन इनके पास है साइकिल, वो देखो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक साइकिल की कमी है, हम दोनों के पास। खैर इसको तो चलाना आता नहीं, इसको पीछे बिठा के मैं लेके चली जाती, और फिर हम लोग ऐसे हंट पे निकलते कहाँ पे क्या हुआ है। व्हाट इफ गाइस इसके बाद थोड़ी देर बाद जाके सारा कुछ बदल जाए, हम टाइम ट्रैवल कर ले, शायद मैं उस पैरेलल यूनिवर्स में जाके देखूंगी मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अगर ऐसा है तो मुझे जाना है है ना ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये देखो, ओह हो मस्त जगह है, मस्त। ये एक ऐसा फुट ब्रिज है जो बिल्कुल खाली है, मतलब अभी हम लोग जिस एरिया में है कैलकटा के, वो बहुत ही हसल बसल वाला एरिया है। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये एक इतना मेन दो जगह कनेक्ट करता है, तभी भी ये ब्रिज इतना इस टाइम पे ऑफिस टाइम में ये एकदम खाली है। मज़ा आ गया, अरे मुझे ऐसी चीज़ में बहुत मज़ा आता है ना, क्या करूँ। मुझे ना बचपन से ही ना सब्वे के अंदर क्या है ऐसा बहुत होता था, इंटरेस्टिंग लगता है, एकदम खाली सा होता है, आवाज़ गूंजता है, और इसी गूंजने में इसी एको में जब आप गाना गाओ तो बहुत मज़ा आता है। एंड दिस इज आउटसाइड द सब्वे, कितना अच्छा सुंदर से सजाया है देखो आप ज़रा। और यहाँ पे छोटा छोटा सब चाय का टपरी है, और यहाँ पे एक मंदिर है, इट्स अ क्यूट प्लेस। एक बात बताओ,
मुझे ना एक बंदे को मैंने अभी ना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा, बहुत मन कर रहा है पीने का, लेकिन चाय पिया है, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी तो जानते ही हो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा पेट मेरा। लेकिन मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती भी नहीं हूँ, कार्बोनेटेड वाटर में जितना कम पीऊँ उतना कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है। देखो मैं डाइट वाइट कुछ नहीं करती, बस चीनी का कंजम्पशन मेरा कम है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। दादा माउंटेन ड्यू हबे रूम टेम्परेचर ठंडा नए मैजिकल दादा। ओ आई थिंक वो नल चला के करेंगे, नल के नीचे रख देंगे। दोस्तों डर के आगे जीत है दोस्तों, मैं इतना जोर से बोला ना, रिक्शा अंकल डर गए, मुझे उनको लगा मैं उन्हें कुछ बोल रही हूँ। फिर हम गए डायमंड प्लाजा मॉल, कुछ चीजें खरीदनी थी हमें वहाँ पे, तो गए हम स्मार्ट बाजार। यहाँ पे हम लोग आए स्मार्ट बाजार में, तो सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ पे हमेशा ऑफर चलता है ना, टी शर्ट्स वगैरह टॉप वगैरह घर पे पहनने के लिए, तो सारा का मतलब ये सब चीज़ हम लेने का सोच रहे हैं, देखते हैं मिलता है कि नहीं। अगर सही प्राइस में मिला तो देखो घर पे पहनने के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव चाहिए भी नहीं, तो जो समर्स के लिए आराम सा हो एकदम ढीला ढाला सा, अगर वैसा मिल जाए तो लेंगे। बट सी और क्या लेती हूँ मैं, लेट्स सी, अगर अच्छा कुछ मिला तो मैं टॉप वगैरह लूँगी, टी शर्ट्स वगैरह लूँगी, ओवरसाइज मुझे बहुत पसंद है, तो लेट्स सी। खैर जो खरीदना था वो तो खरीद लिया, उसके बाद एक धुआंधार डिनर के साथ अपना डिनर ख़त्म करते हुए, इस वीडियो को भी ख़त्म करते हुए हम बढ़े अपने घर की ओर। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और मुझे बहुत सारा प्यार देना, एंड हैव अ नूरी नाइट, बाय गाइज़।